उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। पहले परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों को इसमें छूट मिलेगी, उम्र और परीक्षा शुल्क से राहत दी जाएगी। जो परीक्षा पास कर चुके हैं और अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, उन्हें इस परीक्षा में छूट मिलेगी। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी थी, इसलिए इसे रद्द कर दी गई थी। यदि परीक्षा रद्द नहीं करते तो भविष्य में परीक्षार्थियों को ही परेशानी होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़ा बयान आया है। पहले परीक्षा दे चुके परीक्षार्थियों को जो होने वाली परीक्षा उसमें छूट मिलेगी, उम्र और परीक्षा शुल्क से रियायत दी जाएगी, यानी कि राहत मिलेगी, उन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा। और साथ में जो परीक्षा पास कर चुके हैं और अब उनको उम्र ज्यादा हो गई है, यदि जो परीक्षा पहले दे चुके थे पास भी कर चुके थे, उनकी उम्र यदि ज्यादा हो गई है तो उन्हें छूट दी जाएगी। साथ में भर्ती परीक्षा में जो गड़बड़ी थी इसलिए इसे रद्द किया गया है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता तो भविष्य में परीक्षार्थियों को ही परेशानी होती है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा जुड़ चुके हैं। हेमंत, जिस तरह गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान आया है कि परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन उन्होंने एक सुविधा यह भी दी है कि जो परीक्षा रद्द की गई है उसमें जो पहले पास हो चुके परीक्षार्थी हैं उन्हें उम्र में और परीक्षा की जो फीस है उसमें राहत दी जाएगी। अभी 2017 में 2200 से ज्यादा पदों में जो आरक्षण भर्ती प्रक्रिया होती उसको अभी हाल ही में सरकार ने निरस्त किया है। इसी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसलिए निरस्त किया गया है क्योंकि आगे चलकर जो इसमें अभ्यर्थी थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, इसलिए उनके ध्यान में रखते हुए इसको निरस्त किया गया है। और उन्होंने कहा कि 3000 नए पद इसमें निकाले जा रहे हैं। इससे सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि ये लगातार खबरें चल रही थी कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उन्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने पेपर दिलवाया था अब उनकी जो उम्र है वो अधिक हो गई है। तो इस पर गृहमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और जिन्होंने उस समय पेपर दिलवाया था उनको छूट मिलेगी। साफ तौर पर गृहमंत्री ने कहा है कि सब चीजों में छूट जाएगी, छूट दी जाएगी। इसके अलावा जिन्होंने फिजिकल टेस्ट पास किया है उनको भी पूरी प्रक्रिया में छूट दी जाएगी। तो एक बड़ी राहत इससे होगी। और उन्होंने कहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को घबराने की जरूरत नहीं है। जी, तो ऐसे परीक्षार्थियों का कहना है जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं उसके बाद उनको फिर से परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया इस बारे में? देखिए, ये लगातार जो परीक्षार्थी हैं उनके द्वारा मांग उठ रही है कि फिर अगर वो देते हैं तो उनके समय की भी बर्बादी है और पैसे भी बर्बादी है। लेकिन सरकार ने अपील उनसे की है कि उन्हीं के हित में जो पूरी प्रक्रिया है 2017 की उसको निरस्त किया दिया है और 3000 नए पद निकाल रहे हैं और उसमें भी उम्र और जो जिन्होंने टेस्ट फिजिकल टेस्ट पास किया था उसमें छोड़ दी जाएगी। तो ये अपील लोगों से की है। हालांकि अभी क्या इसमें मूड है परीक्षार्थियों का ये खुलकर सामने अभी नहीं आया है। चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत इस जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर में